यस कंट्रोल रूम माइक ऑन है यस ऑल राइट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन यू आर वाचिंग जेम्स टीवी लाइव शो माइक ऑन है विद मासूमा जहरा आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक मरतबा फिर अपने शो माइक ऑन है के साथ हाजिर हूँ हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी ऐसे शख्सियत से किसी ऐसे टैलेंटेड इंसान से जो अपना फन अपना टैलेंट लेकर हमारे प्रोग्राम में आता है और मेरा माइक उनके लिए ऑन होता है तो आज भी एक ऐसे ही गेस्ट मेरे साथ शो में मौजूद हैं जिनका ताल्लुक आर्ट्स की फील्ड से है बेसिकली आर्ट्स बहुत वास्ट फील्ड है और कुछ लोग अपने अंदर का टैलेंट अपना आर्ट सिंगिंग के ज़रिए शो करते हैं कुछ फिर डांसिंग के ज़रिए शो करते हैं कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं कोई ड्राइंग्स बनाते हैं पेंटिंग्स करते हैं कलर्स फैलाते हैं और अपने अंदर के छुपे आर्टिस्ट को बाहर लेकर आते हैं सो यस विदाउट एनी वेट लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे आई हैव मिस्टर अयान आफताब हुसैन विद मी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हाउ आर यू अयान ठीक आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन वेलकम टू द शो एंड व्यूअर्स अयान इज बेसिकली अ विजुअल आर्टिस्ट और जब अयान से मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई मुलाकात वैसे गायबाना थी हमने इनका पहले काम देखा एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बिकॉज कोई एक चीज़ नहीं है जो अयान ने की हो देर आर डिफरेंट थिंग्स जिस पे अयान काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपने टैलेंट को आर्ट्स को बाहर लेकर आ रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं लेकिन स्पेशली अगर मैं एक चीज़ बोलूँ टर्म यूज़ की जाए तो दैट कैन बी अ विजुअल आर्टिस्ट राइट तो विजुअल आर्टिस्ट टर्म यूज़ की जाती है उन आर्टिस्ट के लिए जो कि अलग अलग फील्ड्स पर काम कर रहे हो लाइक उसमें पेंटिंग ड्राॅइंग और प्रिंट मेकिंग स्कल्पचर सेरेमिक्स क्राफ्ट इवन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी इसी में आ जाती है तो विजुअल आर्ट बहुत बड़ी फील्ड हो जाती है अयान तो जिस पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को भी हमारे व्यूअर्स को भी बताएं डिटेल में कि विजुअल आर्ट बेसिकली होता क्या है लेकिन उससे पहले हम जानते हैं हु इज अयान बेसिकली अयान कौन है क्या करते हैं तो अयान टेल अस समथिंग अबाउट यू जी मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूँ और आर्ट्स का शुरू से शौक था बचपन से यही होता था कि एग्ज़ाम्स में किसी और सब्जेक्ट में पास हूँ ना हूँ ड्राइंग में मार्क्स अच्छे होते थे मैं जी तो वही घर वालों ने भी यही सोचा था कि इसका इंटरेस्ट इस तरफ है तो इसको आर्ट्स में ही भेजेंगे सही। तो इस तरह से सीएड का थोड़ा मुझे पता था मैं सीएड से ग्रेजुएटेड हूँ जी और मैंने फाइनल अपना जो काम ग्रेजुएशन का निकाला था थीसिस का वो था रिफ्लेक्टिव टेप पे ठीक है अब ये है कि काम असल में इतने सारे हैं और रिफ्लेक्टिव टेप पे जो काम किया हुआ है उसकी एक झलक तो आप यहाँ सामने भी देख सकते हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और आपसे एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करें क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर सो अयान जब आप स्कूल टाइम से स्टार्ट करते हैं ना बचपन से पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में क्योंकि ये काम तो सारा आप निकल कर आ रहे हैं लेकिन शुरुआत कहीं से ना कहीं से हुई होगी एज यू टेल अस दैट आपने बताया अभी कि जी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी जी. तो क्या चीजें थी क्या बनाते थे हम तो भाई बचपन वाला घर होता था ना तिकोन वाला वो मैं क्राफ्ट करता था मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से पॉप स्टिक्स हो गई और उसके अलावा भी कोई ना कोई मटेरियल जो भी हाथ लगा उससे क्राफ्ट करता था मैं और घर में किसी और को शौक है कि वाला या फिर हमारी फैमिली में कोई भी आर्ट से नहीं है अच्छा सिर्फ मैं ही हूँ कैसे फिर ये शौक कहाँ से हु वाज योर इंस्पिरेशन किसी को देखा था बस ड्राइंग पढ़ने लिखने से थोड़ा था अच्छा इसलिए ड्राइंग की तरफ थोड़ा इजी लगा तो वहाँ गया लेकिन वहाँ भी बहुत सारी मुश्किलात हैं हर फील्ड है सीखना पड़ता जी तो उसमें भी बहुत कुछ उसके लिए पढ़ना पड़ता आर्ट के बारे में क्योंकि आर्ट एक लैंग्वेज है और उसकी अलग अलग विजुअल्स हैं जो हमें आगे दिखाने होते हैं ठीक है तो आर्ट भी कोई ईजी नहीं है इतना ठीक है ये भी इसमें भी अंदर लैंग्वेज है लेकिन अगर इसको समझना है तो आम वैसे कोई नहीं समझ सकता आर्ट को हम जैसे कोई चीज़ बनाते हैं तो वो कोई नया बंदा नहीं समझ सकता उस चीज़ को लेकिन अगर आर्ट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसके बारे में उसकी वैल्यू उसकी पोजीशंस के बारे में आर्ट्स में जो पहले होता है वो होती है लाइन लाइन हर चीज़ में होती है लाइन से ही हर चीज़ होती है और लाइन पे ख़त्म होती है यहाँ पे सराउंडिंग में मेरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइन से शुरू लाइन पे अब भाई आप तो आर्टिस्ट हैं आप तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना चीज़ों को वो वाली आंख सही होती है देखने के लिए अच्छा घर में सब सपोर्ट करते हैं आई मीन टू आस्क योर पेरेंट्स स्पेशली सब सपोर्ट करते हैं कि भाई इस फील्ड में जा रहे हो उनकी वजह से ही मैं आर्ट्स में आया हूं अच्छा जी तो कौन थे सबसे पहले मम्मा थी या बाबा जी ने कहा कि बाबा थे अच्छा जी हाँ सिबलिंग्स में कौन कौन है मैं सबसे छोटा हूँ मुझसे बड़े तीन भाई हैं अच्छा जी और वो सारे इंजीनियरिंग में और इसमें ठीक है तो घर में यही था कि इंजीनियरिंग भी हो गई है इसको आर्ट का है थोड़ा हाँ।
तो इसको आर्ट की तरफ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जिस चीज में आपको शौक था घर वालों ने सब। तो बस यही था कि जैसे जैसे करके फर्स्ट एंटर हुआ जैसे जैसे करके उसके बाद बस फिर एंट्री टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सिलेक्शन उसमें, और फिर मैंने फाइन आर्ट्स अपनी चूज की थी फील्ड, और उसमें पेंटिंग मैंने मेजर रखा अपना। सही जी, पेंटिंग आपने फर्स्ट ईयर में हमें सब सिखाया जाता है, स्कल्पचर, पेंटिंग, सिरेमिक्स और ये क्या कहते हैं ड्राइंग वगैरह, हर चीज़ उसमें होती है आर्की का काम। लेकिन मैंने अपना फाइन आर्ट्स का चूज़ किया और फिर मैंने उसको ही आगे पेंटिंग में रखा। जबरदस्त। तो नाज़रीन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर, अलग अलग फील्ड्स हैं जिस पर आने काम भी किया हुआ है, और मेरे पास काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल भी है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। लेकिन आप जो लोग हमें देख रहे हैं लाइव यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो कमेंट्स के जरिए या फिर लाइव कॉल के जरिए यू कैन बी द पार्ट ऑफ माय शो एज वेल। और अयान के स्पेशली घर वाले या फ्रेंड्स अगर देख रहे हैं तो वो भी अयान से कॉल पर बात कर सकते हैं, और आपकी कॉल बेसिकली होगी क्या, दैट विल बी अ एप्रिसिएशन फॉर अयान बेसिकली। और अगर कोई और भी अप्रिशिएट करना चाहता है या फिर काम के सिलसिले में कोई बात, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो भी अयान यहाँ पर है, आप जरूर कर सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है 03133161636, इस नंबर पर कॉल करके भी आप मेरे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ताकि ब्रेक के बाद जब हम आएँ तो एक एक करके वो तमाम कैटेगरीज जिसमें अयान काम कर रहे हैं उन पर बात कर सकें। और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है और देखते रहना है मेरा शो जिसका नाम है माई कॉन है, ओनली ऑन जेम्स टीवी। किसी बात पर परेशान हैं? क्या आप किसी मसले में मुब्तला हैं? क्या आप किसी बात के लिए फिक्रमंद हैं? जैसे पेट में दर्द होता है ज्यादा खाने से, वैसे ही दिल का बोझ बढ़ता है अकेले रहने से। छोड़ दें अपनी सारी फिक्रें और परेशानियां, क्योंकि आ गई हूं मैं इकरा नईम एक शो लेकर जिसका नाम है दिल खोल कर। आइए मुस्कुराइए दिल खोल कर, आइए अपने दुख बांटें दिल खोल कर, आइए अपनी कहानी बताइए दिल खोल कर। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग माई कॉन है ओनली ऑन जेम्स टीवी, एंड येस इट्स अ टैलेंट शो। सो टुडे आई हैव अयान आफ्ताब हुसैन विद मी, और अयान हमसे शेयर कर रहे हैं अपनी जर्नी, कैसे स्टार्ट किया, ड्राइंग में इंटरेस्ट था, उसके बाद घर वालों ने सपोर्ट किया और सीएड में एडमिशन हुआ, और एडमिशन के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, और फाइन आर्ट्स में फिर अलग अलग चीज़ों पर उन्होंने काम किया जिस पर हम एक एक करके इनसे बात करेंगे, और वो तमाम चीज़ें जो अयान ने बनाई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आप देख सकेंगे कितना ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग विच इज़ प्रिंट मेकिंग, तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं बेसिकली प्रिंट मेकिंग होती क्या है। प्रिंट मेकिंग में हमें प्रिंट्स निकालने होते हैं अपनी तरफ से, कोई भी, चाहे हम स्टेंसिल कटिंग का काम करें, मोनो प्रिंट्स होते हैं उसमें, ड्राई पॉइंट होता है और वुड ब्लॉक होता है, लाइनों कट के ऊपर होता है, ये सारे उसके प्रोसेस हैं। अच्छा। उसमें से कौन से प्रोसेस में हमें क्या चीज़ निकालनी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसमें मैंने ये मोनो प्रिंट निकाली है बैंडेज से। तो ये आप आग सामने से दिखाते भी रहे, ये बैंडेज से किया हुआ है सारा काम। ये बैंडेज से है मोनो प्रिंट, और उसके अलावा ये मैंने कॉन्सेप्ट रखा लाइफ और डेथ पे। अच्छा, किस तरीके? ये भी लाइनों कट पे है ये सारा, इसकी ऊपर लाइफ है जो लीव्स हैं अभी उस पे, जो नीचे झड़ चुके हैं वो डेथ का रखा था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट सारा, इसकी भी ये प्रिंट्स हैं। ये मतलब कलर्स डिफरेंट है जी, कलर डिफरेंट है, और ये बैकग्राउंड इसमें डिफरेंट है, पेपर है यहाँ पे। सही। और उसके अलावा लाइनों पे हमें अपने कैरिकेचर्स बनाने थे, कोई फनी टाइप के। कैरिकेचर्स क्या होते हैं वो भी आप? कैरिकेचर्स कार्टून टाइप के कुछ होते हैं। ठीक है, तो उसका हमें बनाना था।
ये मैंने अपने कुछ कैरिकेचर्स बनाए थे उस पर, और उसके अलावा ये न्यूज़पेपर से केरोसिन लगा के उसको उसका करके पैच निकाले थे उसकी प्रिंट। ये लीव्स लग रहे हैं मुझे, लीव्स के प्रिंट क्या चीज़? न्यूज़पेपर से उसको इसका किया था। न्यूज़पेपर है, ठीक है ठीक। और ये लीव्स के साथ मैंने प्रिंट निकाले थे अपने सारे। प्रिंट मेकिंग का सारा काम है जनाब ये, और एक एक करके आना आपको दिखा भी रहे थे, और कुछ पिक्चर्स हमारे कंट्रोल रूम मेप के पास भी है, वो भी आपको स्क्रीन पर जो कि साफ आपको शो हो रहे होंगे सॉफ्ट कॉपीज, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स जिसके बाद एक एक करके जो है आर्टिस्ट अपना अपना काम सारे कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में तो बड़ा मजा आता होगा जब सारे फ्रेंड्स मिलकर कर रहे होंगे, तो कॉन्सेप्ट सोचने में मुश्किल नहीं होती कि मुझे क्या करना है, ऐसा काम जो अलग हो? टाइम लगता था कॉन्सेप्ट सोचने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा होता था आगे ज्यूरी देनी है हमें, तो कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिसमें हम फंसे ना, ज्यादा मुश्किल भी ना हो, ज्यादा इजी भी ना हो कि जान छूट जाए उसमें से। लेकिन ज्यादातर सोशल इश्यूज पे करना होता था हमें। अच्छा, तो ये कौन बताता है कि सोशल इश्यूज पे काम करें? आजकल जो चल रहा है हम उसके बारे में पढ़ा था, तो वो पता था उस चीज के बारे में, तो इसलिए सोशल इश्यूज या पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हुए टॉपिक रखते थे हम। मैंने अभी जो ये काम किया इसमें सोशल इशू भी हैं और सोशल इश्यूज के ऊपर भी, और उसके अलावा मैंने पर्सनल लाइफ का भी अपना रखा है इसमें। अच्छा, वैसे दिखने में पहली दफ़ा में जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आयाना भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या चीज़। प्रिंट मेकिंग के बाद आप किस पर बात करना चाहेंगे? कैलीग्राफी है, ज़बरदस्त। ये भी प्रिंट मेकिंग का ही प्रोसेस है, ऊपर मैंने कैलीग्राफी की, नीचे वो इंक के स्प्लैश में मारे थे उस पर। अच्छा अच्छा, ये भी कैलीग्राफी है। तो ये कैलीग्राफी के लिए तो बाकायदा सीखना होता है, कलम लेकर? हाँ, प्रैक्टिस। तो ये सारी, ये मैंने सारी सीखी थी। इलेक्टिव की हमारे पास क्लासेस होती हैं 2 वीक्स की। अच्छा। तो उसमें कैलीग्राफी, फोटोग्राफी और ये सारी चीजें भी सिखाते हैं। जबरदस्त, तो मैंने कैलीग्राफी उठाई थी। अच्छा जी, वेरी इंप्रेसिव। तो ये आपने इसके अलावा भी बनाई है कैलीग्राफी? कैलीग्राफी और भी है मेरे पास। ठीक है, गुड है। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आयान अभी हमें शो करते जा रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल काम है। अच्छा यान, आगे भी हम आई के करी फील्ड में बात करते रहेंगे, आर्ट्स के अलावा क्या शौक है, कोई और चीज, कोई स्पोर्ट्स, मूवीज, एनी अदर हॉबी? बस आर्ट्स का ये, इसमें ही थोड़ा आगे निकलता हूँ कि और कुछ वैरायटी ला सकूँ अपने काम में। सही है, क्योंकि पहले मैं करता था पेंटिंग से हट के मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ, इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं जो कटिंग वाला है, उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की कोई फॉर्म नहीं होती। सही है, तो उसमें होता है कि रैंडमली कुछ भी जो आए आपके जहन में वो आप करते हैं। ठीक है, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट की तरफ अपना रुझान किया, और मैंने ग्लिच का सोचा हुआ था कि ग्लिच करूँगा फाइनल थीसिस में अपनी। तो उसमें मैंने ये रिफ्लेक्टिव टेप उसके लिए बेहतर समझी, क्योंकि इसके कलर्स नियॉन थे, और उसके अलावा इसमें वैरायटी कलर की बहुत थी जो रिफ्लेक्शन में आते हैं, ग्लिच में आते हैं। तो मैंने अपना टाइटल सोचा था कुछ पहले, नो सिग्नल के टाइप का। फिर मैंने फोटोग्राफी की थी सारी विजुअल्स की, और उस विजुअल्स को मैंने अपनी तरफ से डिस्टॉर्ट करके और ग्लिच में क्रिएट किया है। ठीक, जबरदस्त। तो ये जो पूरा थीसिस वर्क है, जो फाइनल ईयर में एक आपको पूरा प्रोजेक्ट करना होता है, उसमें आपने ये चीज सोची? सही है, गुड। कितना टाइम देते हैं अपनी प्रैक्टिसेस को आप दिन में? अगर मैं आपसे पूछूं कि डेली बेसिस पे कितना टाइम होता है कि ये टाइम तो मुझे अपने काम को देना ही? मैं दिन में उठती जब भी टाइम मिलता है काम करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों में टाइम बहुत लगता है, मतलब दो दो हफ्ते भी लग जाते हैं एक एक फ्रेम पे। सही है, एक आर्ट वर्क पे दो हफ्ते भी लग जाते हैं, कभी हफ्ता लग जाता है। सही है, तो ऐसे होता है। ठीक है, सही है। तो ये घर में घर वाले कहते हैं आराम से आए, हमको सबको पसंद है, सबको पसंद है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है? सोशल मीडिया में इंस्टा अकाउंट थोड़ा बहुत चलाता हूँ, बाकी दूसरों का इतना नहीं जी। अच्छा, इंस्टा अकाउंट पर आपके ये सारा काम अवेलेबल है? कुछ कुछ रखा हुआ है। अच्छा जी, कुछ गैलरीज में गया हुआ है, तो उसकी तरफ से रखना नहीं है। अच्छा, एग्रीमेंट। तो अगर लोग आपको फॉलो करना चाहें इंस्टाग्राम पर, देखिए व्हाट इज द इंस्टा हैंडल? आयान आफ्ताब हुसैन। आयान आफ्ताब हुसैन को जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इनका काम भी वहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में भी इनका जो हैंडल्स हैं वो भी डाल देंगे, ताकि आप डायरेक्टली भी जा सकें। अच्छा आयान, कमीशन वर्क करते हैं, पेंट वर्क लोग अगर आपको ऑर्डर देना चाहें, काम करवाना चाहें? बॉल पेन का मेरा है, पोर्ट्रेट्स वगैरह वो बहुत पसंद है लोगों को, मैं वो उसके कमीशन वर्क उठाता हूँ। अच्छा, और वो करता हूँ, और उसके अलावा ये चमक पट्टी वाला काम मेरा सेल होता है। अच्छा, चमक पट्टी वाली ये जी, रिफ्लेक्टिव टेप, आसान अल्फाज में चमक पट्टी वाला काम, मैं एकदम ये कोई अलग सी चीज है। अच्छा, तो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं प्राइस और कहाँ तक जाते हैं? जी, स्केचेस के तो मेरे 4,000-5,000 तक होते हैं। अच्छा, तक होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होते हैं?
स्टार्ट होते हैं वो जी, ठीक है 4000 से डिपेंड करता है क्या बनवा रहे हैं और साइज के भी ऊपर डिपेंड करता है, छोटी साइज तो कम हो गए थे। ठीक है, आपके पास हैं कुछ अभी अगर हम दिखाना? वो पोर्ट्रेट्स नहीं है क्योंकि वो कमीशन वर्क थे। ठीक है, अगर हमारी टीम के पास हैं कुछ बने हुए आपके, तो वो जब वॉल पॉइंट्स स्पेशल जो स्केचेस बने हुए हैं वो भी आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देख सकेंगे कितना जबरदस्त है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा पेन से, और फिर गलती की भी गुंजाइश नहीं है। उसमें गलत हो गया तो मतलब खराब जी। तो पहले पेंसिल से स्केच करते हैं, डायरेक्ट पेंसिल से उसकी बाउंड्री सिर्फ क्रिएट करता हूँ, लेकिन डिटेलिंग मुझे सारी पेन के साथ ही देनी होती है। सर मुझे वो याद आ गया, हम ना बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में बनाते थे अमीबा जी, ऑफ उसके अंदर जो डॉट्स पेन से वो हाथ थक जाता था। मैं डॉट्स नहीं मारता, मैं लाइन उसकी क्रिएट करता हूँ। ये बड़ा जबरदस्त और इम्प्रेसिव चीज है, और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फील्ड्स में आयान ने काम किया, और तमाम चीज़ों में ही बहुत ज़बरदस्त काम है। आयान पेंटिंग्स की तरफ आते हैं आपकी, ताकि हम वो भी व्यूअर्स को दिखा सकें, और कुछ पेंटिंग्स हमारी स्क्रीन पर भी आएंगी। और ये एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, क्या था जहन में जब आप ये बना रहे थे? ये था तवायफ के ऊपर कॉन्सेप्ट था एक, उसके ऊपर मैंने किया था। जो अपनी मर्जी से करती हैं उनके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन जो जिनको जैसे किडनैप करते हैं और उनको आगे चलाते हैं लोग, तो उनके लिए वो जो मैंने उनके पाँव में घुंघरू थे बीड्स वगैरह, वो मैंने हटा के उसकी जगह पे ये कांटे डाल दिए हैं। तो उनके लिए बेसिकली वो घुंघरू कांटों की तरह होते हैं, अजियत होती है, तो उसमें मैंने थोड़ा ब्लड का भी स्प्लैश दे दिया और घुंघरू यहाँ पे रख दिए मैंने और उसके पाँव में कांटे डाल दिए मैंने। कोई कहानी है कि जो अपनी मर्जी से इस तरफ नहीं आते रास्ते, तो उनके लिए अच्छा। ये अगर इसको रिलेट किया जाए तो ये हर फील्ड के लिए है, ना सिर्फ एक फील्ड के लिए, बल्कि जो लोग अपनी मर्जी से किसी प्रोफेशन को चूज़ नहीं करते ना, किसी दबाव की वजह से, कभी काफ़ी बार ऐसा होता है फैमिली प्रेशर की वजह से आप इस तरफ चले जाते हैं, तो भी ऐसा ही फील होता है, वो प्रोफेशन आपके लिए बेड़ियाँ बन जाता है जब तक आपको प्रोफेशन आपका पैशन ना हो। सही है, ऐसा ही है। तो ये बातें भी हमारे साथ साथ चल रही हैं, और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो ये कुछ मिनिएचर के हैं मेरे। अच्छा, मिनिएचर के लिए आई थिंक हमारा कैमरा थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं मिनिएचर आर्ट होता क्या है। पहले आयान वो भी साथ साथ आप बताते रहें, जूम कर सकें इसको आगे, माइक से आगे कर लें, आप बताते भी रहें व्हाट इज मिनिएचर। ये मिनिएचर आर्ट होता है, इसमें टेक्निक होती है मिनिएचर की, मतलब उसमें पॉइंटलिज्म काम होता है डॉट के साथ। ठीक है, पेंसिल की बिल्कुल बारीक सी वो नोक बना के उससे काम होता है। ये बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं, छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो टेक्निक है वो मैटर करती है। अच्छा, उसको मिनिएचर बोलते हैं। सही गुड, और भी हैं आपके पास? जी हां, एक हॉर्स की ड्राइंग है, दिस इज कॉल्ड मिनिएचर आर्ट। अब जितने भी आर्टिस्ट आज खासतौर पर हमारा शो देख रहे होंगे, दे मस्ट बी एंजॉयिंग द शो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास। ये मुगल एम्परर जी, ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, और ये आपने फ्रेम वर्क भी बड़ा ज़बरदस्त किया, पूरा पूरा कंप्लीट। तो ये हैं वो सारी चीज़ें जो कि जिसमें हमने काम किया हुआ। अब हम बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ जो बेसिकली मेन चीज़ है, जिससे अट्रैक्ट होकर मैंने आयान को आज अपने शो पे इनवाइट किया था, दैट इज़ बेसिकली हिज रिसर्च वर्क, थीसिस वर्क बेसिकली हम उसको कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च वर्क किया था तो हमारे लिए थीसिस रिसर्च वर्क होता है, आपके लिए ये चीज़ होती है, लेकिन एक तरीके से इसमें भी रिसर्च चाहिए, क्योंकि जब आपने कॉन्सेप्ट सोचा सारा देखना पड़ता है इस चीज़ के बारे में कि पहले ये काम हुआ हुआ तो नहीं है, क्योंकि उसमें डिफ़िकल्टीज होती हैं फिर हमारे लिए आगे। ठीक है, और एक देखना पड़ता है कि गैलरीज वगैरह उस काम को उठाएंगी आगे, तो ये सारा काम देखभाल के करना पड़ता है आगे। आप अपने टीचर से शेयर करते हैं सबसे पहले जाके? जी, एडवाइज़र होते हैं हमारे और कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ये सारे, उनसे हम अपनी हर एक चीज़ शेयर करते हैं, यहाँ तक कि इनके स्केचेस बना के पहले वो अप्रूव करवाते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। कहाँ से आया था यार ये आइडिया कि मैंने ग्लिच पे काम करना? मेरी टीवी में ग्लिच आ गया था। अच्छा, ग्लिच असल में एक अनयूजुअल चीज़ है, वो ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। तो जब भी जैसे कोई मूवी चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, आगे ग्लिच आ जाता है, केबल चली जाती थी, तो
लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि यार ये ग्लिच आ गया आगे, लेकिन मैं उसके कलर्स को, उसकी साउंड को, इन सब चीज़ों को, उसकी मूवमेंट को मैं देखता था, मुझे वो पसंद थी चीज़ें। अच्छा। हालांकि वो दिमाग को कभी कभी हिला भी देती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे वो चीज़ें पसंद थी। ज़्यादा देर तक देखो तो आपकी आईज़ भी वो हो जाए। तो इस पे मैंने नो सिग्नल अपना टाइटल रखा था। और नो सिग्नल क्यों? क्योंकि जब सिग्नल नहीं होता तभी ग्लिच आता है। तो मैंने अपनी, मेरी एलईडी में भी अंदर ग्लिच था, तो मैंने अभी जो थर्ड ईयर में था मैं, तब मैंने उसमें देखा, क्योंकि काम का पहले ही सोचना था हमें थीसिस वर्क का, तो उसमें से मैंने जब देखा कि ग्लिच आ रहा है, उसमें मैंने सोचा कि कुछ नया करूँगा, क्योंकि ग्लिच पे पेंट सब लोग करते हैं ग्लिच बनाने के लिए, लेकिन कोई डिफरेंट मटेरियल किसी ने यूज़ नहीं किया। अच्छा। खासतौर पे रिफ्लेक्टिव टेप, क्योंकि ये ट्रक आर्ट में यूज़ होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए रोड पे जब। तो मैंने ये मटेरियल इसलिए उठाया कि इसमें अंदर वैरायटी बहुत थी कलर्स की, और कलर्स भी सारे उससे सिमिलर थे, इसलिए मैंने ये टेप उठा के और पीछे एक्रेलिक शेड इसकी बेस रखी मैंने, उस पर अपना सारा फोटोग्राफी करके और ग्लिच क्रिएट किया अपना। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर थोड़ा सा, ये जो आपने बनाया इसमें सारे विजुअल्स जो हैं, मैंने उसमें कंटेनर्स उठाए हैं, फोटोग्राफी खुद की है मैंने उसकी। अच्छा। और उसके अलावा लाइन वर्क्स दिए हैं मैंने उसमें, और उसको एक ग्लिच की फॉर्म दे दी, डिस्टॉर्शन उसमें क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है। मेरे जो भी उसमें इमेजेस थी उसको सारों को मैंने डिस्टॉर्ट करके और ग्लिच बना लिया। ये किस चीज़ का है? ये इसमें सारी चीज़ें हैं, कंटेनर्स भी हैं, और बर्ड आई व्यू से मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली थी, सिटी स्केप, और उसके अलावा घर की जो चीज़ें वगैरह होती हैं, मैस होता है किचन का, ये वो, इन सब चीज़ों को मिला के और मैंने ग्लिच क्रिएट किया था इस पर। ये सारा आपने टेप वर्क खुद जी, ये कटिंग भी खुद की है और बहुत बारीक काम हुआ हुआ है, तो उसमें तो बहुत टाइम लगा हुआ है। कितना टाइम लगा इस एक चीज को बनाने? इसमें तकरीबन 6 से 7 दिन लगे हैं। अच्छा। और ये कलर्स कैसे डिसाइड करते हैं? रैंडम? ये कलर्स अपनी तरफ से, उस टाइम जो मुझे पसंद आता था मैंने उस वो रख लेता था। और ये भी देखना पड़ता है कलर स्कीम, कि एक कलर के साथ दूसरा कलर जंप ना करे, सही, सब एक ही उसमें चलते रहे। जबरदस्त भाई, बहुत डिटेल काम है और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये बताते जा रहे हैं ना, एक्सप्लेन करें तो मैं तो साथ बैठी हुई हूँ, तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये आपका जो एक पोर्ट्रेट है, अच्छा, इसमें ये था कि मेरा 3 महीने थोड़े हॉस्पिटल में गुजरे थे। अच्छा। तो वहाँ पे भी मैंने कोई चीज़ें नहीं छोड़ी, वहाँ पे ऑक्सीमीटर और जो स्ट्रेचर होती थी, उसके अलावा मॉनिटर होता था, उन सब चीज़ों की भी मैंने पिक्चर्स निकाली थी और उन सबको मैंने डिस्टॉर्ट करके इसमें डाला था। ठीक है। ये जो आप वर्ड यूज करें डिस्टॉर्ट करके, आपने पिक्चर्स ये कंप्यूटर किसी नहीं, खुद ही करना जी, खुद ही। अच्छा। डिस्टॉर्शन इसलिए क्योंकि ग्लिच में डिस्टॉर्शन आती है लाजमी, तभी वो उसकी लाइनें टूटती हैं सारी, तो उसमें उसका मूवमेंट थोड़ी नजर आती है, तो मैंने इसलिए किया। ठीक है। और ये आप अगर एक्सप्लेन करें जो आपने बनाया है, ये क्या चीज़ है? इसमें कंटेनर्स है, नीचे कंटेनर्स की फॉर्म है, उसके अलावा विंडो और ये सारी चीज़ें उसकी फोटोग्राफी है, ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीमीटर की लाइन जैसे कर्व होते हैं, उसमें मैंने वो स्ट्रेट कर दी है, तो मतलब लाइफ और डेथ का जैसे हो जाता है, लाइफ है तो वो लाइन कर्व हो रही है, डेथ हो गई तो वो लाइन स्ट्रेट हो गई, तो वो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसमें। सही, गुड। और आपके काम अभी आप बता रहे थे कि डिफरेंट गैलरीज में भी जी है, तो कहाँ कहाँ पर अभी आपका काम? एक इस्लामाबाद में गैलरी है खमसा के नाम से, उसमें आर्ट वर्क है, और लाहौर की गैलरी है ओ आर्ट स्पेस, उसमें काम गया अभी, और ये वाला काम अभी आर्ट काउंसिल से है कराची से, वहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। जी, गुड। तो ये काम आप खुद भेजते हैं वहाँ पर या गैलरी जी? हम ईमेल करते हैं उनको, उनकी ओपन कॉल्स आती हैं, हम उस पर ईमेल करते हैं, फिर वो सिलेक्ट करके और काम वो मंगवा देते हैं। ठीक है। और फिर वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, कोई अगर खरीदना चाहे तो आपको काम आता है? इस पे पीछे सारा उसकी लिखी होती है डिटेल, टॉपिक और मीडियम साइज, उसके अलावा प्राइस वगैरह हर चीज़ हम लिख के आगे भेजते हैं, फिर अगर कोई होता है किसी को परचेज करनी होती है तो वो सेल वगैरह के लिए वो बात करते हैं उनसे, गैलरी वालों से। जी, सही। तो मैं ये सारी चीज़ें इसके लिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ अगर ऐसे लोग हों जो प्राइवेट काम करते हैं, तो क्या वो भी अपना काम इस गैलरी में भेज सकते हैं? प्राइवेट भी बहुत से लोग काम करते हैं जो भेजते हैं। सही। तो कोई अभी तक आपकी सेल हुई है? मेरी हुई है, 2-3 सेल हुई है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, और अब आपने बताया कि अब आप पास आउट हो चुके हैं यूनिवर्सिटी से, कितना टाइम हो गया? 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स हो गए। क्या प्लान्स हैं आगे, क्या सोचा है, क्या करना है? अभी तक तो काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे एमए का है। अच्छा, इसी फाइन आर्ट्स में? जी, सेम यूनिवर्सिटी जी, एमएफए। अच्छा, उसका इरादा है, अब देखते हैं उसका। चलिए, गुड, बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा आगे सिखाने का कोई प्लान किया है कि मैं ये चीज़ आगे भी ट्रांसफर करूँ, बच्चों को सिखाऊँ?
ये मेरे जूनियर्स को भी मैंने सिखाई वहाँ पे. कुछ लोग थे जिनको ये काम अच्छा लगा था, उन्होंने पूछा था मुझसे मटेरियल के बारे में. तो दो जूनियर्स थे जिनको मैंने काम ये दिखाया था अपना करके आगे. क्या बात है, जबरदस्त. ये चीज़ है कि आर्ट्स आगे से ट्रांसफर होना चाहिए. और हमारे साथ काफ़ी सारे व्यूअर्स भी हैं. और सानिया बतूल हमें लाइव दिख रही हैं, कहती हैं नो डाउट अयान इज़ अ टैलेंटेड बॉय. तो आपके लिए कमेंट है, रिलैक्सिंग योर माइंड, कहते हैं जी अयान, नारा लगाया उन्होंने. ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मोहम्मद जवाद भी प्रोग्राम देख रहे हैं और अहमद रजा कहते हैं नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसी तरह से कॉमेंट्स करते रहें और कोई क्वेश्चन हो स्पेशली तो वो भी आप अयान से पूछ सकते हैं. और हमारी बातें तो इसी तरह से चल रही हैं. अयान, यूनिवर्सिटी में कभी कुछ ऐसा कोई काम, कोई बात, कोई ऐसा वाक्य हुआ जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? और ये चीज़ जो है ना, इसका बड़ा ख्याल रखें जब आप एक आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाएँ तो अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर ना करें, चोरी हो जाते हैं. मतलब वहाँ कोई दोस्त नहीं है, ऐसा है? दोस्त हैं, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं. और सपोर्ट भी उन्होंने बहुत किया है मेरे हर टाइम में उन्होंने. लेकिन ये है कि आइडियाज़ फिर भी थोड़े बहुत चोरी हो जाते हैं. क्योंकि वहाँ पर असल में वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ चाहिए क्या, सबको काम करने के लिए कोई ना कोई आइडिया चाहिए. जी, सोचना बहुत पड़ता है इसमें. सेम ना होता जी, ऐसा ही. अच्छा, आपके यूनिवर्सिटी टाइम में आपके बैचमेट्स में से किसी और बैचमेट का ऐसा काम जिसने आपको बड़ा इंस्पायर किया हो? हमारे बैच में सबका काम ही इंटरेस्टिंग था और नए नए मटेरियल भी था. मतलब पेंटिंग तो एक है, मेजर सब्जेक्ट हमारा पेंटिंग ही था. लेकिन उसमें सारे बच्चों ने डिफरेंट मटेरियल पे काम किया था. कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने पेंटिंग का काम किया था. मेरी एक फ्रेंड है, उसने बैंडेज पर काम किया था. अच्छा. बैंडेज पर प्रिंट निकाले थे. और एक फ्रेंड ने ये इंस्टॉलेशन फॉर्म और उससे काम किया था. और कुछ ने वो सैंड बिछा दी ज़मीन पे, उस पर फुट स्टेप्स दे दिए. अच्छा. उसके अलावा स्कल्पचर्स बनाए थे बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने. और उसके अलावा उस पर जंग के ऊपर काम किया दोस्त ने. अच्छा जी, जबरदस्त. मतलब ये कितना डीप जाकर सोचना पड़ता है. तो ये मतलब इस तरह होता होगा यहाँ जब बैठे में या लेटे में चीज़ें देखने और दिमाग चल रही. हर वक्त यही चीज़ दिमाग में चल रही होती है. ऑफकोर्स जब जिस फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अब जैसे मेरा काम है मुझे हर हफ्ते एक गेस्ट यहाँ बुलाना है, तो मेरी आंखें जो है वो सर्चिंग में होती है. मैं कहीं भी जा रही हूँ, अपने रिलेटिव में या स्कूल जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो मेरा काम होता है कि कोई ना कोई बंदा. तो यही चीज़ है कि जब आप जिस फील्ड में जाते हैं तो आप उसी के बारे में सोच रहे होते हैं. और अयान भी आज हमारे साथ मौजूद है. मैंने आपसे कहा भी कि अगर आप भी कोई पेंटिंग या कोई आर्ट वर्क बनवाना चाहते हैं स्पेशली अयान से, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं. और कॉन्टेक्ट नंबर भी अयान का हम दे देंगे ताकि आप वहाँ पर भी बात कर सकें. और इसके अलावा अयान, मूवीज़ वगैरह देखने का शौक है? क्योंकि मैंने जब सीरीज थोड़ी बहुत देख लेता हूँ कभी कभी. अच्छा जी, कौन कौन सी सीरीज पसंद, कौन सी आई सबसे ज़्यादा? बताने वाली नहीं है, इसको छोड़ देते हैं. अच्छा, ये मैं ज़रूर पूछती हूँ बिकॉज़ आई एम पर्सनली अ नेटफ्लिक्स लवर. मतलब बहुत पसंद है. अभी हम टीचर्स लोग फारिग में चल रहे हैं तो देख रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग मुझे मनी हाइस्ट का बताते हैं. तो वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखी हुई होती है लोगों ने. अच्छा है, चलो ठीक है. कुछ चीज़ें इंसान अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए और फ्रेश होने के लिए भी करता है, अच्छी चीज़ है. और फ्रेंड्स वगैरह के आते हैं कि जी हमारा पोर्ट्रेट बना दो? जी, लेकिन फ्री में यही होता है ना. ये बहुत क्योंकि आपकी अगर ड्राइंग अच्छी है कुछ भी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करती हूँ. मेरे माशाल्लाह चार भाई हैं, चारों छोटे, और उन सबके प्रैक्टिकल्स मैंने बनाए. मैंने दोस्तों के भी मैंने बनाए. सही है, तो करके दिया ये वाला काम? जी, बहुत प्रैक्टिकल्स वगैरह बहुत बनाए हैं. लेकिन अभी पोर्ट्रेट्स का थोड़ा कम हो गया है क्योंकि काम मेरा भी साइड में चल रहा होता है, तो टाइम इतना नहीं मिलता. घर वालों में से, फैमिली में से किस किस के बना चुके? फैमिली में से नहीं, एक दो दोस्तों के मैंने बनाए हैं. अच्छा जी, पोर्ट्रेट्स बना के दिए. चलो, अच्छा है, गुड है. और इसके अलावा जो बच्चे इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं यार, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे लोग बोलते हैं कि आर्ट्स में स्कोप नहीं है, लेकिन हर जगह ही आर्ट है, तो आर्ट में स्कोप है. और उसमें यही कि आप अपना 100% दें तो वो कहीं ना कहीं से आपका काम निकल आता है और वो आगे चलता भी है बहुत. और है स्कोप, आ जाए भले आर्ट्स में. वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर आप ये समझते हैं कि इसमें तो स्कोप नहीं है, तो स्कोप बनाने वाले आपको दोते हैं. आप मेहनत करें, दिल लगाकर काम करें, अपने आप को इतना पॉलिश कर लें कि आप खुद एक स्कोप हो जाए, ठीक है, लोगों को आपकी ज़रूरत हो. सो अयान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और
जन्नत के पत्ते भी हमें देख रहे हैं, कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अलग अलग नामों से लोगों की आईडीज हैं, इस तरह मैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन अगर आप मैसेज के साथ अपना नाम भी लिख दें तो अच्छा हो जाए ताकि हम वो शामिल कर लें। तो अयान, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, कोई और चीज़ आपके पास है? या सब चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं, और स्क्रीन पर भी आप लोगों ने देखा होगा अयान का काम हम मुसलसल शेयर कर रहे थे। और आज का जो प्रोग्राम था स्पेशली विजुअल आर्ट्स आर्टिस्ट के साथ, अयान के साथ मेरा प्रोग्राम था, और मेरी कोशिश हमेशा हर हफ्ते में यही कहती हूँ, यही होती है कि यहाँ बुलाकर सिर्फ आपकी मुलाकात करवाना नहीं है उस गेस्ट से, बल्कि आप उन्हें सपोर्ट भी करें। और सपोर्ट करने का तरीका वही है कि अप्रिसिएशन सबसे पहले, तो आप इनके जो पेजेस हैं या जो इंस्टा अकाउंट है वहाँ जाकर इनकी चीज़ों को लाइक कर सकते हैं, आगे फैला सकते हैं, या फिर अगर आप काम कुछ बनवाना चाहते हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह, तो उसके ज़रिए भी ज़रूर इनकी अप्रिसिएशन करें। सो अयान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, मोस्ट वेलकम। और मुझे बहुत मज़ा आया आपके काम को देखकर और नए कॉन्सेप्ट्स को देखकर, ये चीज़ वाकई हमने भी नहीं देखी कभी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर फ्रॉम माई साइड, और हमारे तमाम व्यूअर्स को भी मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ जो हमारा शो देखते हैं और पसंद करते हैं। इवन मेरा ही शो नहीं बल्कि जेम्स टीवी पर होने वाले तमाम ही प्रोग्राम्स को आप लोग मुसलसल देख रहे हैं, आगे फैला रहे हैं और अपना प्यार भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक किसी और आर्टिस्ट के साथ, किसी और नए टैलेंट के साथ। अब तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और अगर आप में से भी कोई ऐसा आर्टिस्ट या छुपा हुआ टैलेंट मुझे देख रहा है जो चाहता है कि मेरा टैलेंट लोगों के सामने आए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और मेरे शो का हिस्सा बन जाएं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।